जो सपने देखते हैं अक्सर उन्हीं के सपने पूरे होते हैं। आपके फौजी बनने के सपने को साकार करने के लिए एसएससी मेकर एक बार फिर मैदान में। टॉप क्लास अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में तैयार किया गया एसएससी जीडी फौजी बैच जो देता है आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें एसएससी जीडी फौजी बैच मात्र 250 रुपये में और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए आप एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें और दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, ये जो आपकी क्लास है ये चल रही है आपकी एसएससी जीडी के लिए। यहाँ पर हम उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर करने वाले हैं। एक चीज जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, जरूर याद रखिएगा, हम प्राचीन भारत कर रहे हैं और आज मुझे लगता है आधी क्लास के बाद आपके प्राचीन भारत के क्वेश्चन जो हैं वो खत्म हो जाएंगे और उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ आपके मध्यकालीन भारत के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो पेन पेपर लेकर बैठिएगा और हाँ चलो वहीं से आया। ठीक है, यह है आपके सामने पहला क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर जो है ये कहां पर स्थित है। हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं प्राचीन भारत के, कुछ क्वेश्चंस जो शायद हो सकता है इससे पहले आपके छूट गए हो उन क्वेश्चंस को भी हम यहां पर करेंगे, विविध के तौर पर हम कर लेंगे उन्हें। और जब आपके जो क्वेश्चंस हैं प्राचीन काल के जब वो खत्म हो जाएंगे उसके बाद मध्यकालीन के क्वेश्चंस को हम यहां पर करना प्रारंभ कर देंगे। स्वांगता, दीपिका, आरा, मोना, सोनी, हर्षित, रिजवान, उज्जवल, अंकिता, राम, अनिल, माही, मिथुन, ऋषभ, मोइन, अनुष्का, अनु, अनिल, संजय, विनोद, बिट्टू, संगीता, सपना, किशोरी, अनिल, रिजवान, विनोद, हर्षित, अनुज। चलिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक, दिलवाड़ा मंदिर कहां स्थित है। श्रवण बेलगोला में, पारसनाथ पर्वत, इंदौर और आबू पर्वत। वेयर इज दिलवाड़ा टेम्पल लोकेटेड, जो दिलवाड़ा मंदिर है ये इनमें से कहां पर स्थित है वो आपसे पूछ रहा है, कहां स्थित है। तो याद रखिएगा, जो दिलवाड़ा का मंदिर है ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में वास्तुपाल और तेजपाल, कौन, वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो व्यक्तियों ने इसको बनवाया है, ये याद रखिएगा। साथ में याद रखिएगा ये जगह कौन सी है जहां पर ये है, तो याद रखिएगा माउंट आबू या आबू पर्वत जो है उस पर ये स्थित है। संगमरमर का ये मंदिर है और याद रखना ये जैन मंदिर है। किस धर्म से संबंधित यह मंदिर है, तो याद रखिएगा जैन धर्म से संबंधित यह मंदिर है, तो ये याद रखना। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है आपको सिर्फ इस एक के बारे में। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, जहां पर जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने अपने प्राण त्यागे थे, जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे कहां पर है,
कर्नाटक में है। किस जगह पर है? कर्नाटक में है, यह याद रखिएगा। ठीक, इंदौर मध्य प्रदेश में। आद्य मध्युगीन भारत के शासक और राजवंशों के साथ उनकी राजधानी। आद्य मध्युगीन का मतलब है मध्य युग से पहले, पूर्व मध्यकाल की हम बात कर रहे हैं, प्रारंभिक मध्यकाल की हम बात कर रहे हैं। उस समय पर इनमें से जो वंश था और उनकी जो राजधानियां थी उनकी मैचिंग आपसे करवा रहा है, आपको बताना क्या हो जाएगा। प्रतिहार जो वंश है उसकी जो राजधानी है इनमें से कौन सी थी, चंदेलों की कौन सी थी, परमार की कौन सी थी और चालुक्यों की कौन सी थी। नीचे आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। डी ऑप्शन आपका छुप गया तो मुझे लगता है अब आपको ठीक से दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन डी। ठीक है, जरा बताओ क्या हो जाएगा। बढ़िया है ना। देखो एक यहां पर शब्द लिखा हुआ दिख रहा है आपको, कन्नौज। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए तीन पक्ष लड़े थे, राष्ट्रकूट लड़े थे, गुर्जर प्रतिहार लड़े थे और पाल लड़े थे, जिनमें अंतिम रूप से जिन्हें विजय प्राप्त हुई है वो प्राप्त हुई है किसको, गुर्जर प्रतिहारों को, और उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी कन्नौज को। चंदेल जो है इन्होंने खजुराहो के मंदिर बनवाए, खजुराहो ही जो है उनकी राजधानी भी थी, ये याद रखिएगा। परमार जो है इनकी राजधानी थी धार, जो परमार है इनकी राजधानी थी धार, ये याद रखिएगा। और जो चालुक्य हैं इन्होंने अपनी राजधानी बनवाया था अनहिलवाड़ा को, किसको, अनहिलवाड़ जो है इसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, ये याद रखिएगा। यानी कि सही जवाब हो जाएगा आपका ए, पहले का ए, बी का दो, सी का तीन और डी का चार। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हो जाएगा आपका ए, मतलब ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ये याद रखिएगा। आगे वर्ष 1100 ईस्वी में निम्नलिखित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिर पर प्रधानता रखता है कौन सा है। 1100 ईस्वी में जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों, मतलब जो भुवनेश्वर के मंदिर हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रधानता रखने वाला मंदिर इनमें से कौन सा है, इन चार में वो पूछ रहा है। राजरानी मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर और मुक्तेश्वर मंदिर। विच इज द टेम्पल बिल्ड इन द ईयर 1100 एडी विच हैज प्राइमरी प्राइमेसी ओवर अदर टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर। राजरानी टेम्पल, कंदरिया महादेव टेम्पल, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज टेम्पल और मुक्तेश्वर टेम्पल। क्या लगता है इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट से क्या होगा। ठीक, बढ़िया। सूरज, अंकिता, राजन, विनोद, रतन, नीलेश, राहुल, शैलेश, निखिल। क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सी, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। क्या हो जाएगा, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, ये याद रखिएगा। ठीक, आगे प्राचीन भारत में निम्नोक्त में से कौन सा विद्या अध्ययन केंद्र नहीं है, नहीं था। इनमें से जो चार ऑप्शन आपके सामने है पूछ रहा है इनमें से विद्या अध्ययन का केंद्र कौन सा नहीं था, मतलब इनमें से कौन सी एक जगह है जहां पर विद्या अर्जित नहीं की जा सकती, नहीं की जाती थी, या ऐसी कौन सी जगह है जहां पर विद्यालय या विश्वविद्यालय जैसी चीज नहीं थी। इन चार में से कौन सी वह जगह है वो आपसे पूछ रहा है। तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या कौशाम्बी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ सेंटर ऑफ स्टडी इन एंशियंट इंडिया। बढ़िया, ठीक, सही। क्या हो जाएगा, तो याद रखना, देखो तक्षशिला सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय यहां पर है, उस समय विश्व का सबसे बेस्ट जो विश्वविद्यालय था वो यही था तक्षशिला। चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, जीवक, इसके अलावा और भी जो मतलब महत्वपूर्ण नाम है ना वो सब तक्षशिला से ही थे। विक्रमशिला जो है इसकी स्थापना की थी किसने, धर्मपाल ने। किसने करवाई थी, धर्मपाल ने इसकी स्थापना करवाई थी। नालंदा की स्थापना करवाई थी कुमारगुप्त ने। ये तीनों विश्वविद्यालय हैं, पर कौशाम्बी का इससे कोई लेना देना नहीं है, कौशाम्बी का विश्वविद्यालय होने से कोई लेना देना नहीं है, ये याद रखिएगा। किसी ने कहा ब्लैक स्क्रीन कर दो, देखो ऐसा ना सतरंगी नहीं कर सकता मैं, किसी को ब्लैक चाहिए, किसी को ग्रीन चाहिए, किसी को चाहिए कि व्हाइट ही ठीक है ना, तो ऐसा है, ये जो चॉइस है ना ये मेरी है। ठीक, चुपचाप पढ़ो। अगला देखो, सांची क्यों विख्यात है, जगह है एक सांची, कमेंट में लिखकर बताओ किस जगह पर है, कमेंट में ये लिखो कि किस जगह पर है सांची, है ना। चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, गुहा चित्रकारी, अशोक के शिलालेख। व्हाई इज सांची फेमस, जो सांची मंदिर है वो फेमस है क्यों।
या सांची जगह है वो क्यों फेमस है? टिक, जो सांची जगह है वो क्यों फेमस है वो आपको बताना, बताओ जरा क्यों फेमस है। बढ़िया, हाँ कल को तुम कहोगे बरगंडी कलर कर लाओ तो कहां से लेके आऊंगा मैं, नहीं सही बात है। क्या हो जाएगा, सांची क्यों विख्यात है, सांची जो है ये क्यों विख्यात है, तो याद रखिएगा सांची विख्यात है क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। क्या है, यहां पर सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसके लिए यह विख्यात है। है कहां पर, बहुत अच्छे, जगह कौन सी है, किस जगह पर है सांची का स्तूप यह बताना। अच्छा, सांची का स्तूप बनवाया किसने था, जो सांची का स्तूप है यह बनवाया किसने है यह आपको बताना। ठीक, ठीक, मुझे लगता है आपको अपने फोन का रेजोल्यूशन बढ़ाना चाहिए, इसीलिए आपको हो सकता है नहीं दिख रहा हो, है ना, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, एलोरा जो है ये शकशासकों के द्वारा बनवाया गया, महाबलीपुरम जो है राष्ट्रकूटों के द्वारा, मीनाक्षी मंदिर पल्लवों के द्वारा, और खजुराहो चंदेलों के द्वारा, है ना। इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित है, कौन सा एक करेक्टली मैच है वो पूछ रहा है, बताओ जरा कौन सा एक करेक्टली मैच है। ठीक, क्या हो जाएगा, देखो जो एलोरा है ये बनवाए हैं राष्ट्रकूट ने, किसने ये बनवाए हैं, राष्ट्रकूट ने, दो तीन दिन से मैं लगातार बता रहा हूं, हो सकता है तुमको याद हो। ठीक है, महाबलीपुरम के मंदिर जो है ये बनवाए हैं पल्लवों ने, पल्लव में नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया है, एलोरा कृष्ण प्रथम ने बनवाया है। ठीक है, जो मीनाक्षी मंदिर है यह दक्षिण में और चोलों के समय का है। ठीक, लेकिन जो खजुराहो के मंदिर है ये चंदेलों ने बनवाए हैं, जो खजुराहो के मंदिर है वो चंदेलों ने बनवाए हैं, यह याद रखना। ठीक, आगे, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है, जो पुरुषपुर है यह इनमें से किसका दूसरा नाम है वो आपसे पूछ रहा है। पटना, पाटलिपुत्र, पेशावर, पंजाब, पुरुषपुर इज अनदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, जो पुरुषपुर है यह इनमें से किसका दूसरा नाम है यह बताना। पटना, पाटलिपुत्र, पेशावर या पंजाब, पुरुषपुर इज द इज अनदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, किस एक का दूसरा नाम है पुरुषपुर वो बताओ। ठीक, राणा, राखी, दशानन, अमरीश, सूरज, मेनका, राम, ठीक है, पीकू, रवि, जितेंद्र, नीलेश, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा जो पुरुषपुर है यह पेशावर का दूसरा नाम है। क्या है, जो पुरुषपुर है यह पेशावर जो है इसका दूसरा नाम है, यह याद रखना। ठीक, निम्नलिखित सभी मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा था, क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि जो मध्यकालीन भारतीय मंदिर है उनमें सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है, आद्य मध्यकालीन की बात कर रहे हैं, कहने का मतलब है मध्यकाल जब शुरू हुआ था उससे पहले का, जो मध्यकाल है वो शुरू हुआ है उससे पहले का कौन सा है यह आपको बताना। ठीक, सबसे ऊंचा मंदिर उनमें कौन सा है, ठीक, पता नहीं, कहते हैं राम के किसी वंशज ने बसाया था, मतलब इतना मेरे को लगता है, शायद वही सही होगा, पर किसने बसाया प्रॉपर सच बताऊं तो मुझे नहीं मालूम कि किसने बसाया। अच्छा, इसके बारे में बात करूं, मध्यकालीन भारतीय मंदिरों में सबसे ऊंचा मंदिर इनमें से कौन सा है, कौन सा मंदिर है जो सबसे ऊंचा है, इसमें एक मंदिर है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर, एक मंदिर जो आप यहां देख रहे हैं वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर, कमेंट में लिखकर बताओ कि किसने उसे बनवाया है, जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है एक बार कमेंट में लिखो किसने उसे बनवाया है। ठीक है, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजौर में, इसी को कहा जाता है आपका राजराजेश्वर मंदिर, क्या बोलते हैं इसी को, कहते हैं राजराजेश्वर मंदिर, यह याद रखिएगा राजराज प्रथम ने इसे बनवाया है, यह बनवाया है नरसिंह देव प्रथम ने, किसने, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया है सूर्य मंदिर, कैलाश का एलोरा मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया है, वो मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को काल क्रमानुसार लिखिए, राइट द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ मगध इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था इसलिए मैं आप करा रहा हूं, क्रोनोलॉजी बतानी है
बताओ जरा कौन कौन सी, मतलब कौन सा वंश पहले था और कौन सा उसके बाद है, ये बताना। ठीक, हाँ राजराज प्रसाद नहीं, राजराज प्रथम। ठीक है ना, क्या है तो याद रखिएगा, सबसे पहले है आपका हर्यक, ठीक है, उसके बाद आएगा आपका शिशुनाग, ठीक, इसके बाद आएगा आपका नंद, और नंदों के बाद आएंगे मौर, ठीक है, यानी कि सबसे पहले हो जाएगा चौथा, फिर होगा आपका दूसरा, फिर होगा आपका पहला, और फिर होगा आपका तीसरा, यानी कि ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, सी ठीक है। ठीक, आगे, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं है, सुश्रुत, चरक, चार्वाक और धनवंतरी। हु अमंग द फॉलोइंग इज द पर्सन हु इज नॉट अ डॉक्टर, इनमें से कौन एक चिकित्सक नहीं है, कौन सा वह व्यक्ति है जो चिकित्सक नहीं है, यह बताना, कौन सा वह व्यक्ति है जो क्या नहीं है, जो चिकित्सक नहीं है इनमें से। ठीक, हाँ तो ठीक है, तुमको सही ढूंढना, तुम गलत कहां ढूंढ रहे हो उसमें, तुम सही ढूंढो ना, तुमको सही ढूंढना। ठीक, बढ़िया, क्या हो जाएगा इसके लिए, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका सी, यानी कि चार्वाक। देखो, सुश्रुत है, चरक है, धनवंतरी है, तीनों चिकित्सक है, पर चार्वाक चिकित्सक नहीं है। जरा मुझे कमेंट में लिखकर बताओगे, चार्वाक जो है ये किसके प्रवर्तक है, जो चार्वाक जो है ये किसके प्रवर्तक है, जरा बताओगे, चार्वाक को क्यों जाना जाता, मैंने बताया है इससे पहले की क्लासेस में, मैंने आपको ये बताया है, प्राचीन युग है, सकयुग, बौद्ध, मोहम्मदी और विक्रम। इज इट एन एंशियंट एरा, इनमें से कौन सा प्राचीनिक प्राचीन युग है, इनमें से कौन से युग को प्राचीन युग कहते हैं, या इनमें से कौन सा एक है जो सबसे प्राचीन है। बढ़िया, हाँ ठीक, सही, जल्दी चलेगा, परेशान ना हो, ठीक है, बहुत जल्द क्या हो जाएगा। तो देखो, सबसे पुराना जो है ये है आपका बौद्ध युग, छठी सदी ईसा पूर्व का, क्या, छठी सदी ईसा पूर्व, यानी कि लगभग 600, हाँ 600 ईसा पूर्व के समथिंग, 600 से 700 ईसा पूर्व के समथिंग का है क्या आपका बौद्ध काल, सबसे प्राचीन काल इन चारों में यही है, सबसे प्राचीन काल इन चारों में देखा जाए तो वो बौद्ध ही है, ये याद रखना। ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं किसके समीप स्थित है, जो ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं हैं वो इनमें से किसके समीप स्थित हैं, वो आपसे पूछ रहा है, दिल्ली के, आगरा के, अहमदाबाद के या औरंगाबाद के। द हिस्टोरिकल एलोरा केव्स आर लोकेटेड नियर, किसके नियर हैं, किसके पास हैं, वो आपको बताना। ठीक, हाँ जब समय आएगा, अभी समय नहीं है, है ना, जब समय आएगा तब होगा। इसके बारे में बात करूं तो ये किसके समीप है, ये है आपके औरंगाबाद, और औरंगाबाद कहां पर है, औरंगाबाद है महाराष्ट्र में, ठीक है। अच्छा एक बात बताओगे, एक गुफाएं है एलिफेंटा, किसकी, एलिफेंटा की गुफाएं, जरा कमेंट में लिखकर बताओगे कहां पर है, एलिफेंटा की गुफाएं हैं और कमेंट में लिखकर बताओ कहां पर है। आगे देखो, क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नामों में प्राचीन भारत चिकित्सीय त्रय की चिकित्सीय त्रय की पहचान कीजिए, मतलब तीन जो चिकित्सा में सर्वोपरि हैं उन तीन की पहचान करनी है। ठीक, क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा, इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका पतंजलि जो है, वो जो पतंजलि है ये किससे, ये योग से संबंधित है ना कि चिकित्सा से, किससे, जो पतंजलि है ये योग से संबंधित है ना कि चिकित्सा से, है ना, चलो देख ही लेता हूं।
अच्छा हाँ, तो तीन बार एक मतलब दो एक ही बार हो गया, बी और सी, चलो ठीक है। यही दोनों सही हैं, ठीक बढ़िया। आगे निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों का उनके लेखकों के साथ मिलान कीजिए। कविराज मार्ग जो है इन्होंने कौन सी लिखी है, आदि पुराण इनमें से किसने लिखी है, गणित सार संग्रह या संग्रह इनमें से किसने लिखी है, और अमोघ वृत्ति इनमें से किसने लिखी है, वो आपको बताना है। बताओ जरा किसने लिखी है। चलो किस किसने लिखी है जरा बताओ एक बार। देखो ध्यान से सुनो, जो कविराज मार्ग है यह लिखी है अमोघ वर्ष ने, ठीक है। आदि पुराण लिखी है जिनसेन ने, ठीक। गणित सार संग्रह लिखी है महावीराचार्य ने, और अमोघ वृत्ति लिखी है संकटायन ने। किसने? अमोघ वृत्ति जो है यह लिखी है संकटायन ने, यानी कि हो गया 3, 4, 2 और 1। 3, 4, 2 एक मिनट रुको, नहीं 3, 4, 1, 2, ये सी क्या होगा, 3, 4, 1, 2 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। कौन सा सही है? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला निम्नलिखित का मिलान कीजिए। राजवंश और संस्थापक पल्लव जो है इसका संस्थापक दंतीदुर्ग, मतलब पल्लव का इनमें से कौन है, चालुक्य का कौन है, राष्ट्रकूट का कौन है, और होयसल का कौन है, ये बताना है ना। ये क्या बताने, ये बताने आपको संस्थापक, और आपका एक तरफ है राजवंश, ठीक। ठीक है बढ़िया। हाँ, वो दिक्कत हो गई, 1, 2 और 2 1 में ना। हाँ सही है, इसके लिए क्या हो जाएगा, तो देखो अगर मैं पल्लव की बात करूं तो पल्लव जो है, चलो जो आता है पहले वो देख लेते हैं, है ना। अगर बात की जाए आपकी चालुक्य, तो ये तो पुलकेशिन द्वितीय है, बी का 4 यानी कि इस वाले ऑप्शन में आ जाओ। राष्ट्रकूट का है दंतीदुर्ग, यानी कि सी का 1। अरे बदतमीजी कर दिया यार तो, ठीक है ठीक है। पल्लव का क्या हो जाएगा, सिंह विष्णु, ए का 3 यानी कि ए। और होयसल का क्या है, होयसल का हो जाएगा विष्णु वर्धन, होयसल का क्या हो जाएगा, होयसल का हो जाएगा आपका विष्णु वर्धन, यानी कि ये यहां, ठीक। क्या हो जाएगा सही जवाब, हो जाएगा आपका बी। सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका बी, तो वो याद रखना, ठीक है। सही जवाब क्या है, सही जवाब हो जाएगा आपका बी, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, श्री पेरम्बदूर किसका जन्म स्थान है, जो पेरम्बदूर है इनमें से किसका जन्म स्थान है जरा बताओगे। पेरम्बदूर इनमें से किस एक का जन्म स्थान है, श्री माधवाचार्य का, बासव बन्ना का, श्री शंकराचार्य का, श्री रामानुजाचार्य का। हुज बर्थ प्लेस इज श्री पेरम्बदूर, जो पेरम्बदूर है वो इनमें से किसका है वो आपको बताना, ठीक है। हुज बर्थ प्लेस इज श्री पेरम्बदूर, ठीक है बढ़िया। सही, पेरम्बदूर जो है ये इनमें से किसका जन्म स्थान है, ये पूछता है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये है श्री रामानुजाचार्य का। किसका? ये जो जन्म स्थान है ये है श्री रामानुजाचार्य का, तो ये याद रखिएगा। आगे निम्नलिखित में से कहाँ स्तूप नहीं है, रांची, सांची, भरूत और धम्मिक, इनमें से कौन सी एक जगह है जहां पर स्तूप नहीं है। स्तूप संबंधित है किनसे, बौद्ध धर्म से। स्तूप जो है
ये संबंधित है किससे, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। वो अर्ध अंडाकार नहीं होता जो, ये इस तरह का बना होता है, जहाँ एक प्रतीक्षणा पद होता है, यहाँ पर एक हर्मिका होती है, यहाँ एक छत्र लगा होता है, यहाँ एक दंड होता है, ठीक है, इसके चारों ओर वेदिका होती है। ये क्या है, ये स्तूप है। क्या है, ये स्तूप है, ठीक है। हाँ, ये इनमें से कहाँ नहीं है, ये जो चार है ये इनमें से कहाँ नहीं है, तो रांची में नहीं है। देखो, आप भरहुत का जो स्तूप है वो किसने बनवाया था, भरहुत में है, भरहुत का जो स्तूप है ये किसने बनवाया था बताओ, धमेक किसने बनवाया था और सांची किसने बनवाया, सांची तो चलो मान लो अशोक ने बनवाया था, पता ही है आपको, बाकी के दो बताओ, धमेक किसके द्वारा बनवाया गया है और भरहुत ये किसके द्वारा बनवाया गया, दोनों किसके द्वारा बनवाया गया है वो आपको बताना। आगे, चीनी यात्रियों ने सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की, जो चीनी यात्री हैं उन्होंने सबसे पहले भारत की जो यात्रा है वो कहाँ की है, उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी, क्यों की, बेसिकली क्यों पूछ रहा है ना, उन्हें भारतीय राजाओं ने आमंत्रित किया था, उन्हें भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने में रुचि थी, उन्हें भारत में रहने की इच्छा थी। वाई डिड चाइनीज ट्रेवलर फर्स्ट ट्रेवल टू इंडिया, ही वॉज इंटरेस्टेड इन बुद्धिज्म, ही वॉज इन्वाइटेड बाई द इंडियन किंग्स, ही वॉज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग इंडियन कल्चर और ही वॉन्टेड टू लिव इन इंडिया, क्यों की थी ये बताना। भरत जो है वो सुंग वंश के समय में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। धमेक क्या आ रही है, नी नी, ये क्या होता है, अच्छा पढ़ाई कर लो, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए, उन्हें बौद्ध धर्म में रुचि थी, क्या थी, उनको बौद्ध धर्म में रुचि थी, इसलिए उन्होंने जो है क्या किया था, इसलिए उन्होंने भारत की यात्रा की थी, ये याद रखना। आगे, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताओ, प्राचीन भारत का प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय कौन सा है, प्राचीन भारत का प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय, बौद्ध शिक्षा दी जाती थी इसमें, सबसे प्राचीन है। आज ये जगह कहां पर है, आज ये पाकिस्तान में है और आज इस जगह को कहा जाता है रावलपिंडी, ठीक, क्या कहते हैं, आज इसे कहते हैं रावलपिंडी, ये याद रखना, ठीक। कौन सा है, ये हो जाएगा आपका तक्षशिला, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तक्षशिला, ये याद रखना, ठीक। आगे देखो, बड़ा मिहिर का पंच सिद्धांतम इनमें से संबंधित है, फलित ज्योतिष, खगोल विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और शरीर रचना विज्ञान, बड़ा मिहिर पंच सिद्धांतम इज रिलेटेड टू दिस, जो पंच सिद्धांतम रचना है किसकी है, बड़ा मिहिर की है, तो जो बड़ा मिहिर है उन्होंने ये किससे संबंधित है वो आपको बताना है। पंच सिद्धांतम इनमें से किस एक विषय से संबंधित है वो बताओ। बढ़िया, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि खगोल विज्ञान। बड़ा मिहिर थे क्या, एक एस्ट्रोनॉट, एक स्पेस शटल, एक पावर स्टेशन और एक प्राचीन खगोलविद, यानी एस्ट्रोनोमर। जो बड़ा मिहिर हैं वो कौन है ये आपको बताना, जो बड़ा मिहिर हैं वो कौन थे ये बताओ जरा, कौन थे बड़ा मिहिर, ठीक। बड़ा मिहिर जो है ये कौन थे, तो याद रखिएगा एक प्राचीन खगोलविद थे, कौन थे, एक प्राचीन खगोलविद थे ये, तो ये याद रखिएगा। आगे, हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे, इनमें से कौन सा एक है जिसने अर्थशास्त्र को संपादित किया था, इनमें से वो व्यक्ति कौन है जिन्होंने अर्थशास्त्र, जो चाणक्य की रचना है अर्थशास्त्र, कौटिल्य विष्णुगुप्त की रचना है अर्थशास्त्र, उसको संपादित किया था, मतलब उसको प्रेस के जरिए निकलवाया था, मतलब उसको प्रिंट करवाया था, कौन है, श्रीकांत शास्त्री, श्रीनिवास आयंगर, आर रामा शास्त्री और विलियम जोन्स। हु वाज द ओरिजिनल फाउंडर ऑफ द मनुस्क्रिप्ट, जो हस्तलिपि जो है ना उनके मूल फाउंडर हैं, एक हस्तलिपि है उसके, और एंड एडिटर ऑफ कौटिल्यास अर्थशास्त्र, और कौटिल्य की अर्थशास्त्र के क्या है, उसकी अर्थशास्त्र के संपादक भी हैं। बढ़िया,
बढ़िया ठीक, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी यानी कि आर रामा मतलब सामा शास्त्री, कौन और आर सामा शास्त्री, तो ये याद रखिएगा। आगे भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया, मतलब इनमें से कौन सा एक शासक है जिससे प्रतीक अपनाया है भारत सरकार ने, अशोक कृष्णदेव राय पुलकेशिन कनिष्क, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडॉप्टेड इट्स सिंबल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर, किस रूलर से इन्होंने अपनाया है वो आपको बताना है। ठीक बढ़िया, तुम्हारा मन पढ़ने का नहीं हो रहा, नौकरी करने का कैसे ही होगा है, जब जो चीज़ तुम्हें चाहिए तुम उसके लिए एफर्ट नहीं लगा सकते, तो अगर वो चीज़ तुमको मिल गई तो उसका क्या ही करोगे तुम, पहली बात तो जब तुम एफर्ट नहीं लगाओगे तो मिलेगी मुश्किल से, है ना, ये भी समझ लो। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक अपनाया है, ये लिया है अशोक से, अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है, अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है उससे ये लिया गया है, ये याद रखना। ठीक है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया, वाल्मीकि, वेदव्यास, विष्णु शर्मा, तुलसीदास, हु कंपाइल्ड द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र, जो पंचतंत्र हैं इनकी कथाओं का संकलन करने वाला कौन है। पंचतंत्र वो पुस्तक है जो सबसे अधिक भाषाओं में जो है अनुवादित की गई है, पंचतंत्र की कहानियां ऐसी हैं, ऐसा कहा जाता है कि जो इस उम्र का व्यक्ति उसको पढ़ेगा, मतलब इसमें अनोखी बात यही है कि जिस भी एज का व्यक्ति उसको इन कहानियों को पढ़ेगा वो उसे ऐसा ही लगेगा कि ये मेरे लिए लिखी गई है, जैसे छोटा बच्चा पढ़ेगा तो उसे लगेगा अच्छा मेरे लिए है ना, कोई उससे अच्छी खासी थोड़ा सा नॉलेज वाला पढ़ेगा तो उसे लगेगा अच्छा मेरे लिए लिखी गई कहानी, और एक जो आध्यात्म के चरम पर होगा और अगर वो इस कहानी को पढ़ेगा तो उसको लगेगा कि क्या बात है ये मेरे लिए कहानी है ना, तो जो भी जिस तरह जो भी इसे पढ़ता उसे ऐसा ही लगता है कि ये मेरे लिए लिखी गई है, यही इसकी खासियत है पंचतंत्र की। किसने संकलित किया है, विष्णु शर्मा ने, किसने, विष्णु शर्मा ने, ये याद रखना। आगे तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, इन विच कंट्री इज तक्षशिला यूनिवर्सिटी करेंटली लोकेटेड, बताओ आज तक्षशिला विश्वविद्यालय ये वर्तमान में किस देश से संबंधित है। है ना, तक्षशिला जो है वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में जगह है रावलपिंडी, जहां से सोए बख्तर है शायद, है ना, नहीं मैंने नहीं पढ़ी है, चलो आगे याद रखना है। एसएससी जीडी 2023-24 के लिए आपके पास फौजी बैच है, 250 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट वीडियो कोर्स, क्लास नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टी और डाउट सेशन आपको मिलेंगे। अच्छा क्वेश्चन है आपका, नगर कोझिकोड कहलाता है, तंजौर, त्रिचूर, त्रिशूर और कालीकट, द सिटी वाज कॉल्ड कोझिकोड, इनमें से कोझिकोड जो है वो क्या कहलाता है ये बताना। बढ़िया, है ना, कोझिकोड जो है ये नगर कोझिकोड ये क्या है, कालीकट को कहते हैं, किसको, कालीकट को कहा जाता है, ये याद रखना। आगे ईसा पूर्व दूसरी सदी में शूद्रक ने मृक्षकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था, मृक्षकटिकम का अर्थ क्या है, मृक्षकटिकम लिखी किसने है, तो याद रखिएगा मृक्षकटिकम लिखी है शूद्रक ने, जो मृक्षकटिकम है ये किसने लिखी है, मृक्षकटिकम लिखी है शूद्रक ने, और जो मृक्षकटिकम है इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, है ना, मतलब अगर मृक्षकटिकम संस्कृत में है तो इसको अगर हिंदी में देखोगे तो हिंदी में आप इसे कह क्या सकते हो वो पूछ रहा है ना, इसको अगर आप मतलब देखा जाए तो आप इसे हिंदी में क्या कह सकते हो वो पूछ रहा है। ठीक है बढ़िया, चलो हाँ क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसके लिए सही जवाब हो जाएगा मिट्टी की छोटी गाड़ी, जो शूद्रक ने लिखी है मृक्षकटिकम, इसका जो अर्थ होता है मतलब मृक्षकटिकम का जो अर्थ होता है वो होता है मिट्टी की छोटी गाड़ी, क्या होता है, मिट्टी की छोटी गाड़ी, तो यह याद रखना। आगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता, मतलब इनमें से कौन सी एक मैचिंग है वो सही नहीं है, हर्षवर्धन जो है ह्वेनसांग उसके समय में आया था, एक ये, अकबर के समय में टोडरमल था, एक ये, चाणक्य के समय में चंद्रगुप्त था और विक्रमादित्य के समय में चैतन्य थे, इनमें से कौन सा एक है जो मैचिंग करेक्ट नहीं है,
इनमें से कौन सा एक है जिसकी मैचिंग करेक्ट नहीं है वो बताना। ठीक, बताओ जरा। अशोक, चंदा, पीहू, कुलदीप। ठीक है, क्या हो जाएगा? देखो याद रखना, जो ह्वेनसांग है वो हर्षवर्धन के समय में आया था, ठीक है। जो अकबर के समय में था टोडरमल, जो मध्यकाल में, अब जब हम पढ़ेंगे मध्यकाल तब मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। चाणक्य के समय में था चंद्रगुप्त मौर्य, ये ठीक है, मतलब ये दोनों समकालीन है, ये भी समकालीन है, ये समकालीन है। सही जवाब हो जाएगा आपका ये। विक्रमादित्य के समय में चैतन्य नहीं थे, जो चैतन्य थे ये मध्यकाल में थे, और आपके जो विक्रमादित्य हैं ये पूर्व मतलब प्राचीन काल के हैं। किसके? प्राचीन काल के हैं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। बढ़िया, आगे देखो। कंबोडिया में स्थित अंकोरवाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? श्रुत वर्मन ने, सूर्य वर्मन द्वितीय ने, इंद्र वर्मन ने, अनिरुद्ध ने। हु बिल्ड द फेमस विष्णु टेम्पल ऑफ अंकोरवाट लोकेटेड इन कंबोडिया? कंबोडिया में अंकोरवाट का मंदिर है जो कि विष्णु मंदिर है, इनमें से बनवाया किसने है वो पूछ रहा है। इनमें से किसने बनवाया है वो आपको कमेंट में लिखकर बताना है। बताओ जरा किसने बनवाया। हाँ, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका बी, यानी कि सूर्य वर्मन द्वितीय। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सूर्य वर्मन द्वितीय, ये याद रखना। आगे एक है स्तंभ, एक एक है दो, बताओ जरा क्या हो जाएगा। जो बृहदेश्वर मंदिर है ये उड़ीसा में, मतलब इन चारों में से कहां पर है? दिलवाड़ा कहां पर है, लिंगराज मंदिर कहां पर है, हंपी में स्मारकों का समूह जो है वो कहां पर है वो बताना। स्तंभ एक और स्तंभ दो, दोनों बताओ। सूरज, मानस, नेहा, रुहु, ऋषभ, ठीक। कौन सा कहां पर है? ठीक, देखो अगर बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो यह आपका तमिलनाडु में, ठीक है। दिलवाड़ा मंदिर की बात की जाए तो राजस्थान में है। लिंगराज मंदिर की बात की जाए तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका उड़ीसा में, और हम्पी के स्मारक समूह जो है ये हैं कर्नाटक में। पहले का हो जाएगा बी, दूसरे का हो जाएगा आपका डी, तीसरे का ए और चौथे का सी, ठीक है। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सी, तो ये याद रखना, ठीक है। आगे देखो, यहाँ तक था आपका प्राचीन काल के जो क्वेश्चन थे या जो छूट गए थे या जो इम्पोर्टेंट थे, जो जीडी के लिहाज से ज़रूरी थे, वो यहाँ तक थे। अब तक शायद आज हमारी आठवीं क्लास है ना, हाँ, तो इससे पहले की जो क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा। सभी बच्चे, सबसे कह रहा हूँ मैं, इससे पहले की जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी हैं वो देख लो। यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं मध्यकाल, प्रॉपर जो मध्यकाल है वो हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। मध्यकाल का मतलब यहाँ क्या है? मध्यकाल का मतलब है जब, जैसे अभी हमने देखा था आद्य मध्यकाल, आद्य मध्यकाल का मतलब था आपका एक तरह से देखा जाए तो जो प्राचीन काल जहां खत्म हो रहा था और मध्यकाल जहां से शुरू हो रहा था, है ना, तो वो जो ट्रांजिशन फेज था उसको आद्य मध्यकाल कहते हैं। उसे कंप्लीट करने के बाद जो सल्तनत काल है जिसका स्टार्ट हुआ है 1206 से और जिसका अंत हुआ है 1526, मध्यकाल को देखे या फिर सही या इसे ऐसे देखते कि जहां से सल्तनत काल शुरू होता है, और सल्तनत काल शुरू होता है आपका 1206 से 1526 के बीच, कहा 1206 से 1526 के बीच, याद रखना है, ठीक है। ठीक, सॉरी, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल इसके बीच के क्वेश्चंस को करेंगे और उसके बाद, मतलब बेसिकली करेंगे तो हम यहां से लेके 1206 से आपका 1857 के, इसके बीच के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी होंगे, जो आपके एग्जाम में आएंगे या आते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम यहां पर करेंगे, ठीक है।
तो ये याद रखना सल्तनत काल 1206 से 1526 तक है। इनमें सबसे पहला जो वंश था वो था गुलाम वंश, जिसको अब मामलुक या इलबरी वंश भी कहते हैं। इसके बाद आया था खिलजी वंश, खिलजी के बाद याद रखिएगा आया था तुगलक वंश, तुगलक के बाद आया था आपका सैयद, और सैयद के बाद आया है लोदी। ये पांच वंश हैं, ये याद रखिएगा, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। ठीक है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ये याद रखिएगा पांच। शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन है लाख बख्श की उपाधि किस शासक को धारण थी। इनमें से कौन सा एक शासक है जिसने लाख बख्श की उपाधि को धारण किया था। लाख बख्श की उपाधि धारण करने वाला व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी ने गुलाम वंश की नींव रखी थी। इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, इसने उपाधि ली थी सिपह सालार की। किसकी? इसने जो उपाधि है वो ली थी सिपह सालार की, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, पूरे सल्तनत काल में दो हैं, एक है आपका खिजर खान और एक है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली है। मध्यकाल में सुल्तान की उपाधि लेने वाला पहला व्यक्ति इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश वो पहला व्यक्ति है भारत में गुलाम वंश में या सल्तनत काल में जिसने जो है सुल्तान की उपाधि सबसे पहले ली है। जिसने सुल्तान की जो उपाधि है वो सबसे पहले ली है, वो याद रखना। ठीक, आगे, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया था। कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार की जो नींव है वो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन नींव रखने के कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो गई। जो कुतुब मीनार है उसको पूर्ण किसने करवाया था? इसको पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने? इसको पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने ही एकता प्रणाली जो है ये शुरू की थी। इल्तुतमिश के बारे में ही याद रखिएगा, इल्तुतमिश ही वो व्यक्ति है जिसने तुर्क ए चहलगानी बनाया था, और इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इसको गुलामों का गुलाम कहते हैं। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी तब ये बदायूं में था, मतलब बदायूं का जो शासन है या प्रशासक है, बदायूं का जो प्रशासन है वो ये देख रहा था, कौन? इल्तुतमिश। ठीक है, आगे, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी। आपसे पूछ रहा, उत्तर भारत की पहली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी, वो महिला सल्तनत काल की जो डायरेक्ट गद्दी पर बैठी। मतलब इससे पहले उत्तर भारत में कई महिलाओं ने शासन किया है, लेकिन उन्होंने पर्दे के पीछे से शासन किया। कहने का मतलब है अपने पुत्र को या किसी को बिठाकर पीछे से संरक्षिका के तौर पर उन्होंने शासन किया। लेकिन अगर बात की जाए जो सीधे जाके गद्दी पर बैठी थी वो कौन है, तो याद रखिएगा वो हो जाएगी रजिया सुल्तान। कौन हो जाएगी? वो हो जाएगी रजिया सुल्तान, तो ये याद रखिएगा। कौन? रजिया सुल्तान। ठीक, ये लगभग 4 साल तक रही थी गद्दी पर। ये बैठी थी गद्दी पर, हम्म, 1216 के समथिंग में शायद, और सॉरी 1236 के समथिंग में, और 1240 को इसकी मौत हो गई थी, ऐसा कुछ। हरियाणा के पास कोई जगह थी तब उसकी मौत हुई थी। ठीक, अच्छा, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोगो खेलते हुए हुई थी, पोलो खेलते हुए थी, पोलो खेलते हुए इनमें से किस सुल्तान की मृत्यु हुई है वो पूछ रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन खिलजी। हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु डाइड वाइल प्लेइंग पोलो। पोलो खेलते हुए इनमें से किसकी मौत हुई है वो बताना। ठीक, हाँ, एकमात्र महिला भारत की या उत्तर भारत की। बेस्ट जोक है आज का। ठीक है, आप जो रजिया सुल्तान है वो पहली महिला है उत्तर भारत की जिसने जो है क्या है, जिसने जो है सुल्तान की उपाधि धारण की थी, वो याद रखिएगा। इनमें से कौन सा शासक है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है ये पोगो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण हुई थी। ठीक, तो ये याद रखिएगा। आगे, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। जो रजिया सुल्तान थी ये किसकी बेटी थी, ये आपसे पूछ रहा है। अल्तमस की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नासिरुद्दीन की और बलबन की। हुज डॉटर बाज रजिया सुल्तान, जो रजिया सुल्तान है ये किसकी डॉटर है, किसकी पुत्री थी, ये आपको बताना। इसने अपनी इस पुत्री को जो है राजा या अगला सुल्तान घोषित किया था,
ऐसा नहीं है कि ये जो है तख्ता पलट करने के बाद ऐसी गई थी, उसने खुद जो 15 अक्टूबर नहीं 13 अक्टूबर 1240 को मौत हुई थी उसकी, रजिया सुल्तान की। ठीक, जो रजिया सुल्तान है इसको इल्तुतमिश ने क्या है, जो रजिया सुल्तान है उसको इल्तुतमिश ने जो है क्या किया था, इल्तुतमिश ने उसे अपना नेक्स्ट जो गद्दी का वारिस है वो चुना था। इल्तुतमिश को अल्तमस भी कहते हैं, है ना, इल्तुतमिश या अल्तमस याद रखिएगा। ठीक है, रजिया सुल्तान को गद्दी से हटाने का जो सबसे बड़ा श्रेय है वो किसे जाता है, वो जाता है आपका तुर्के चहलगानी को, जो इल्तुतमिश ने बनाया था ताकि वो जो 40 लोग हैं वो इसके प्रति वफादार रहे और इसका जो प्रशासन है वो ठीक से चला सके। भाई तो दिक्कत है, अगर इल्तुतमिश ने लिखा और अल्तमस लिखा है तो समझ में नहीं आता क्या है, अल्तमस इल्तुतमिश दोनों सेम है। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था, मोहम्मद गौरी इनमें से किस एक को छोड़कर, जब मोहम्मद गौरी आया तराइन के जब युद्ध हुए 1191-92 में, उसके बाद और फिर 94 में जब वो चंदावर का युद्ध हुआ, उसके बाद उसने कन्नौज और उत्तर का कुछ हिस्सा जीत लिया था, उसके बाद वो वापस गया, वापस जाते समय इनमें से किसको जो है उसकी देखभाल के लिए छोड़ गया था, गौरी, और ये इसका गुलाम था जिसे ये छोड़ के गया था, वो क्या था, वो गौरी का गुलाम था। कौन था वह विश्वसनीय, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ, व्हेन डिड द रेन ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड, जो दिल्ली सल्तनत है उसका जो राज्यकाल है वो समाप्त हुआ था कब, कौन से समय में समाप्त हुआ है वो पूछ रहा है। जो दिल्ली सल्तनत, अभी मैंने बताया था सल्तनत काल किस टाइम शुरू हुआ और किस टाइम से किस टाइम के बीच के काल को सल्तनत काल कहते हैं, तो भाई पूछ रहा है कि जो सल्तनत काल है ये समाप्त कब हुआ। ठीक है, सोनिया पीहू जी सही है बेटा, ठीक बढ़िया। क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका बी 1526। दिल्ली सल्तनत का जो राज्यकाल है ये कब समाप्त हुआ, ये हुआ है 1526 में, ये याद रखना। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था, नसीरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह और आराम शाह। बिफोर एज्यूमिंग द पोस्ट ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली बलबन वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच सुल्तान, किसका था जरा बताओगे बेसिकली, और ये इसका प्राइम मिनिस्टर ही नहीं था या मतलब प्रधानमंत्री नहीं था बल्कि ये इसका दामाद भी था, किसका जरा बताओ, किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, इसके समय में जो भी शासन था दिल्ली का वो बलबन ने ही जो है किया है, किसने, बलबन ने ही उसे किया है, जरा बताओगे क्या हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन जो है ये दामाद था किसका, बलबन का, बलबन ने अपनी बेटी का निकाह जो है इससे कराया था, नसीरुद्दीन से। ठीक है, नासिरुद्दीन ने लगभग 20 साल तक शासन किया था, बेसिकली देखा जाए तो 20 साल तक पर्दे के पीछे से शासन करने वाला कौन था, बलबन, और इसी 20 साल में इसने तुर्के चहलगानी को नष्ट कर दिया था, और उसके बाद जब इसका ये जो दामाद है नसीरुद्दीन, जब इसकी डेथ हो गई तो बलबन खुद जो है क्या हुआ, बलबन खुद गद्दी पर बैठा और उसने सिजदा, पैबोस और नवरोज जैसी प्रथाओं का प्रारंभ किया। उसने कहा था कि जो राजा है वो क्या है, वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, और इसने अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए अपना जो वंश है, जो अपना क्लैन है, उसको जोड़ा था किसके साथ, अफरासियाब के साथ, किसके, अफरासियाब के साथ, तो वो याद रखना। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था, चंगेज खान के बारे में मैंने कल भी बताया था, सबसे खतरनाक आदमी था ये, अगर ये भारत पर आक्रमण कर देता तो फिर भारत की स्थिति क्या ही होती, ईश्वर ही जाने। जहां जहां से ये मंगोल गुजरे हैं उस जगह को उस समय इन्होंने शमशान ही बनाया है, मतलब इनका नियम था जैसे कि जो रथ होता है ना, जिसकी भी गर्दन रथ से ऊपर है उसे काट देते थे, यही नियम था इनका। इन्होंने इराक, ईरान, इसकी उस समय की आबादी को मतलब इतनी तरह से नष्ट किया था कि उतनी वापस से उतनी आबादी होने के लिए उन्हें कम से कम 50 से 60 साल बाद में लगे थे। उस समय विश्व की, पूरे विश्व की जो जनसंख्या थी वो शायद 20 करोड़ के समथिंग थी पूरे विश्व की, और 20 या 40 करोड़ की समथिंग होगी,
ऐसा कुछ कह सकते हैं, और उसकी 1.5% जनसंख्या ये इन्होंने उस समय समाप्त कर दी थी। किसने? चंगेज खान ने। दिक्कत यह हुई थी कि चंगेज खान कोई बात हुई होगी तो चंगेज खान ने जो है अपने राजदूत वगैरह भेजे थे जो खलीफा था उसके पास, पर इराक का जो बगदाद वगैरह जो हिस्सा ना इराक का वहाँ पर, उसे उसने शायद चंगेज खान को हल्के में ले लिया होगा, तो उसने जो है उसके जो 3 जो इसने दूत भेजे थे उनमें से 2.5% के लगभग हाँ उसने समाप्त कर दिया था, तो उनको मार दिया, एक को गंजा करके वापस भेज दिया है ना। इसके चलते फिर चंगेज खान ने अपनी सेना भेजी थी उसे, मतलब जो खलीफा था उसको पकड़ने के लिए, मारने के लिए है ना। वो उसकी डेथ हो गई, वो भागता रहा। उसके बाद उसका पुत्र मंगवर्नी जो है वो बना था, लेकिन मंगवर्नी जब भागता रहा था उसके बाद वह भारत आया था, और भारत जब वह आया था उस समय भारत में शासन था इल्तुतमिश का। किसका? इल्तुतमिश का। उसने इल्तुतमिश से कहा था कि जो है मुझे शरण दे दो। इल्तुतमिश समझदार व्यक्ति था, उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि देखो ऐसा है, जो दिल्ली की आबो हवा है ना, या जो भारत की आबो हवा है, वो आपको पसंद नहीं आएगी, आपको रास नहीं आएगी, इसलिए ऐसा है आप ना वहीं रहिए। तो जिसके चलते जो है बाद में उसने लाहौर में शरण ली, और जब चंगेज खान को पता चला तो वहां से जो मंगोल हैं वो वापस लौट गए। पर सोच के देखो, मंगोल चंगेज खान के समय अगर भारत पर आक्रमण करते क्या ही होता। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चहलगानी के विनाश का श्रेय दिया जाता है? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द गिवन क्रेडिट टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ चहलगानी अ ग्रुप ऑफ पावरफुल मिलिट्री फोर्सेस? किसको दिया जाता है वो बताना, बताओ जरा क्या हो जाएगा। हाँ, किसी को गंजा करके भेज दिया था, एक दो को मार भी दिया था है ना, जिससे वो खिंचा गया था। सर सुनो, एक बात है, एक ही है, चलो सुना दो जब एक ही है तो। चलो क्या हो जाएगा, चहलगानी को किसने नष्ट किया था? तो याद रखिएगा, ये किया था बलबन ने। किसने ये किया था? बलबन ने। किसने नष्ट किया है? तो याद रखिएगा, बलबन ने किया है। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? खिजर खान, मोहम्मद गौरी, मलिक काफूर और मोहम्मद बिन तुगलक। हु वाज द जनरल ऑफ दिल्ली हु सक्सेसफुली एडवांस्ड टिल मदुरई? जिसने जो है मदुरई तक जब सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी, बताओ जरा कौन है। और याद रखिएगा, यह एक हिंदू हिजड़ा था, इसको हजार दिनारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हजार दिनारी भी जो है कहा जाता है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मलिक काफूर, पहला सुल्तान जिसने दिल्ली दक्षिण में आक्रमण किया और दक्षिण को जीता भी था, पहला मुस्लिम शासक या पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। और दक्षिण विजय का जो दक्षिण विजय अभियान जो है इसका नेतृत्व उसने दिया था किसको? उसका नेतृत्व दिया था उसने मलिक काफूर को। किसको? मलिक काफूर को। यह याद रखना, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, मंगोल, अफगान, तुर्क और एक जाट कबीला। खिलजी वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली। ये जो सुल्तान दिल्ली के सुल्तान थे ये थे क्या? बेसिकली ये क्या थे? ये मंगोल थे, अफगान थे, तुर्क थे, या फिर आपका एक जाट कबीला थे, क्या थे ये बताना। ठीक, क्या है याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका सी यानी कि तुर्क। क्या थे? किसने लिखा, मैं होता तो चंगेज खान की बेटी से शादी कर लेता, मेरे लाल तुम्हारा अता पता भी नहीं होता है ना। सही है कि तुम इस समय में हो, जाना आपको स्वतंत्रता मिली हुई है, 36 तरह के मतलब फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं, तुम्हारे साथ कुछ भी होगा तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, वहाँ कुछ नहीं था, वहाँ तुम वहाँ तक पहुँचते बीच में तुम्हें कोई मार के खा जाता, वो भी समस्या घनघोरी थी है ना। इतना होशियार ना बनो, तीरंदाज नहीं हो तुम, समझ जाओ थोड़ा सा। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? इनमें से कौन सा समय है जिसके समय में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तुम चंगेज खां के बारे में समझे नहीं ठीक से। चंगेज खां जहां भी जाता था ना वहां मार के ना कंकालों की वो बनाता था मीनार, यूं करके लोगों में डर बैठाने के लिए। जब वो मर गया था ना, कहते हैं कि उसके मरने के बाद भी लगभग 10 सालों तक उसका शासन वैसे ही चलता रहा था, स्मूथ जैसे चल रहा था। उन लोगों को डर था कि कहीं लौट के आ गया ना तो दिक्कत दे देगा फिर से। ऐसी चीज थी चंगेज खान, एक बार पढ़ो उसके बारे में है ना, फिर मुंह खोलना अपना कि मैं होता तो ये कर लेता। तुमसे एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं निकल रहा, जीडी का एग्जाम तैयारी कर रहे हो ना, तुमसे वो नहीं निकल रहा। क्या कह रहे हो तुम, सोचो तो। आगे, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो याद रखिएगा, सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं अलाउद्दीन खिलजी के समय में। किसके समय में?
अलाउद्दीन खिलजी के समय में, याद रखना, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? फतह मंगत जो चंगेज खान है उसकी कब्र कहाँ है आज तक किसी को नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि उन्हें दो टुकड़ी भेजी थी, उसने कहा था कि जब मैं मरूं तो दो टुकड़ी भेजना, एक टुकड़ी वो जिसने जो है मुझे दफनाया हो, है ना, और दूसरी टुकड़ी वो जो दफना के आ रही हो ना वो उसे दफना सके, ताकि किसी को पता ही ना चले कि कौन जो उसकी कब्र है वो है कहाँ पर। वो था चंगेज खान। मरने के बाद भी उसके जो ऑर्डर है ना बाकायदा वैसे ही फॉलो हुए थे जैसे होने चाहिए थे, समझ में आ रहा है? ठीक, चलो। सिकंदर ऐसानी कहने वाला सुल्तान खुद को किसने कहा है? वो कहा है अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। सुल्तान वंश की विशालतम स्थाई सेना जिसका भुगतान सीधा राज द्वारा किया जाता बनाई थी। स्थाई सेना बनाने वाला इनमें से कौन था और जिसका भुगतान कौन करता था? जिसका भुगतान राज्य स्वयं करता था सीधा। इससे पहले एकता प्रणाली के तहत वेतन दिया जाता था, जिसको इसने समाप्त कर दिया था। क्या था? जिसको इसने समाप्त कर दिया था। नाम क्या है इसका? इसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम है? अलाउद्दीन खिलजी। इसने स्थाई सेना बनाई थी और उसको सीधे वेतन दिया जाता था, किससे? राज्य के खजाने से। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था, इनमें से किस में? कला में, संगीत में, सुलेखन में या दर्शन में? जो मोहम्मद बिन तुगलक है, जिसे पागल बादशाह या रिक्त पिपासु कहते हैं, वो इनमें से किस एक में निपुण था? मतलब कौन सी एक चीज है जिसमें उसे निपुणता हासिल थी? उसे निपुणता हासिल थी दर्शन में। सल्तनत काल का एकमात्र शासक है जो इतना पढ़ा लिखा था, है ना, जो जो जितने भी सल्तनत काल के शासन हुए उनमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था ये। इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? जो इब्न बतूता है वो भारत आया था इनमें से किसके शासन काल में? तो याद रखिएगा, जो इब्न बतूता है वो भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। किसमें? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ये भारत आया था, ये याद रखिएगा। आगे, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकार चिकित्सालय की स्थापना की थी? फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। हुज सुल्तान ऑफ दिल्ली एस्टेब्लिश्ड एन एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, अ चैरिटी डिपार्टमेंट एंड अ चैरिटी हॉस्पिटल। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 48। ठीक, बढ़िया। बढ़िया, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा, दीवाने खैरात करके इसने बनवाया था। ठीक, आगे, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? इनमें से किसको विरोधों का मिश्रण कहा है? जो इतिहासकार हैं वो इनमें से किसको विरोधों का मिश्रण कहते हैं? ठीक है, बढ़िया। विरोधों का मिश्रण किसे कहते हैं? यह कहा जाता है आपका मोहम्मद बिन तुगलक को। सिक्कों का राजकुमार भी कहते हैं, याद रखना इसको, सिक्कों का राजकुमार। क्या? सिक्कों का राजकुमार भी इसे कहा जाता है, यह भी याद रखना। ठीक, किसको? तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक को। सांकेतिक सिक्के चलाने वाला पहला व्यक्ति यही है, सांकेतिक सिक्के चलाने वाला पहला व्यक्ति यही है, याद रखना। 1329 से 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्कों के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? वही बात जो मैंने अभी अभी बताई थी, प्रमाण स्वरूप यानी कि सांकेतिक मुद्रा चलाने वाला इनमें से कौन था? ठीक, बताओ जरा, जिसके बारे में अभी अभी बताया था, सांकेतिक मुद्रा। ठीक, चलो, किसी को तो वास्तविकता का भान हुआ। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका सी मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। आगे, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? इनमें से कौन सा वंश था, जो पांच वंश मैंने बताए थे उनमें से इनमें से कौन सा वंश था जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया है, बताओ? 1320 से 1414 तक शासन किया इस वंश ने। कब से? 1320 से 1414 तक शासन इसके द्वारा किया गया है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं तुगलक वंश के बारे में। किसके बारे में? हम बात कर रहे हैं तुगलक वंश के बारे में, तो यह याद रखिएगा। ठीक है, आगे, ओहो, 51 क्वेश्चन थे, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ठीक है,
अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, पेन पेपर लेकर जरूर बैठिए, जो कुछ भी नया आपको मिले उसे लिख लीजिए, ठीक है। एसएससी जीडी 2023-24 के लिए आपके पास फौजी बैच है, कंप्लीट वीडियो कोर्स, क्लास नोट, सॉफ्टवेयर फैकल्टी और डाउट सेशन यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। 250 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल बैच है आपका एसएससी बिहार एसएससी के लिए, 250 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो कोर्स, क्लास नोट, सॉफ्टवेयर फैकल्टी और डाउट सेशन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। मैथ और रीजनिंग की क्लास रोज रात 8 बजे होती है, एकदम बेसिक से होती है। आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं, अजय सर आपको बताते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे आप इन्हें एकदम बेसिक से ट्रिक लगा के या कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। ये कुछ लिंक हैं, जैसे ये है ऐप का लिंक, इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले स्टोर पर जाके जिस चैट बॉक्स में आप अभी हैं इसमें ऊपर पिन किया गया, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मिलेगा आपको डेली क्विज, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स, ई बुक और भी बहुत सी सुविधाएं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम एक ऐसा चैनल है जिस पर आपकी हर एक क्लास शेयर होती है, कोई नया इनिशिएटिव या थॉट होता है यहीं शेयर करते हैं, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको यहीं प्रोवाइड कराए जाते हैं। यह है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक, इसे आपको शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़े, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। इस क्लास को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, पेन पेपर लेकर बैठिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखकर बताइए, मैं आप सबके कमेंट्स को देखता हूँ, मतलब ऑलमोस्ट मैं सबके सारे कमेंट देखता हूँ तो दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखकर बता सकता है, मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ, ठीक। चलिए, और याद रखिएगा मध्यकालीन आज से हमने शुरू किया है, कल से हमारा मध्यकालीन के ही क्वेश्चन चलेंगे, और जब मध्यकालीन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम करेंगे आपके जो आधुनिक भारत जो है ना, उसके क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।